हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मैं संगीता आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल लेट्स क्रैक एसएससी पर। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट कर सके। नवीन मिश्रा कुमार के तन भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग, सभी लोग आ जाइए भाई, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इमरान मिर्जा, बेस्ट ऑफ लक, आपको एग्जाम है। एक बार लाइक कर दो सभी लोग, शेयर कर दो लिंक को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अब तक ना किया हो तो। ठीक है, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आज, आज बहुत जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मनीष, गुलाब, अजय भाई, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग यार, तुम लोग इतना टाइम ना लगाओ। ठीक, नाम आपको पता है मेरा, यहाँ पर आपको डालना है लेट्स क्रैक एसएससी, तो आप हमसे कनेक्ट हो जाओगे टेलीग्राम पर। इस शेड्यूल को प्रॉपर फॉलो करना है, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। बेस्ट ऑफ लक नवीन मिश्रा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई सभी को। डेली लाइव क्लास चाहिए, लाइव टेस्ट क्विज चाहिए, स्ट्रक्चर कोर्सेज चाहिए, अनलिमिटेड एक्सेस चाहिए, तो आपको करना क्या है, कोर्स को परचेज। कोर्स को परचेज करने के लिए क्या करना है, आपको हमारे अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाना है, वहां पर आपको कोर्स को सिलेक्ट करना है। कोर्स को सिलेक्ट करके आपको कोड लगाना है SANGEETA। जैसे इस कोड को लगाओगे आपको 10% का ऑफ मिलेगा बिल्कुल। ठीक है ना बेटा, कल नहीं होगी यार, कल नहीं होगी, परसों होगी, मंडे को होगी। कल मैंने आपको बताया था ना, कल मैं रास्ते में रहूंगी, कैसे क्लास ले लूंगी भाई। हाँ रोज पढ़ाते हैं धन बाबू। तो बड़े भाई पहला क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है, मानव शरीर के किस भाग में ग्लाइकोजन का भंडारण होता है, बताइए इस क्वेश्चन का। एनटीपीसी का कोर्स, देखिए एनटीपीसी क्या, देखो अब हम लोग पढ़ा रहे हैं यार एनटीपीसी आपका, देखिए 24 महीने का जो कोर्स है वो ये है बेटा, 7800 का है। जैसे आप इस कोड को लगाओगे आपको ये मिलेगा 7 जी। ठीक है, अगर आप 12 महीने का लोगे तो इतने का पड़ेगा। बाकी आपको कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, आप अपना नंबर ड्रॉप कर दो यहाँ पर। विष्णु प्रजापति, ओके विष्णु प्रजापति जी, आप अपना नंबर यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या था स्क्रीन पर, विष्णु जी आप अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिए। ओके तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ओके राइट आंसर है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है, निम्नलिखित में से किस पौधे का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। काजल गुप्ता, ऑल टोटल जीएस के क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं बट मेरा मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ओके राइट आंसर है सन हेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड वेरी गुड इमरान मिर्जा, सभी लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। नेफ्रॉन निम्नलिखित अंगों में से किसकी मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, नेफ्रॉन निम्नलिखित अंगों में से किसकी मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, बताओ बेटा। विष्णु, रिया, गुलाब, इमरान, आरपी, काजल, नवीन मिश्रा, कुमार केतन, काजल, अंगद, धन बाबू, शर्मा जी, ओके राइट आंसर क्या हो जाएगा, किडनी, किडनी, ओके तो राइट आंसर देख लेते हैं, वेरी गुड किडनी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्मृति की पूर्ण हानि की विशेषता है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्मृति की पूर्ण हानि की विशेषता है, बताओ बेटा।
निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी स्मृति की पूर्ण हानि की विशेषता है? बताओ। हाँ क्वेश्चन देखो, फोर्थ आ गया, फोर्थ का बी आंसर दिया नवीन मिश्रा ने, तो देखते हैं। गलत आंसर है भाई, राइट आंसर एमनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजल में निम्नलिखित खनिजों लवणों में से किसके संपर्क में आने से ब्लैक फुट रोग होता है? गुड इवनिंग तेजपाल सिंह तनवार जी, गुड इवनिंग। हाँ जी करेक्ट आंसर जल्दी बताना। नमस्ते आरपी मीना जी, नमस्ते नमस्ते, आपका नाम लिया तो था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित अंगों में से किस पर प्रभाव डालती है? सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित अंगों में से किस पर प्रभाव डालती है? बताओ। सिरोसिस एक बीमारी है जो निम्नलिखित अंगों में से किस पर प्रभाव डालती है? ओके, राइट आंसर है लीवर, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुष्ठ उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मापदंड क्या है? कुष्ठ उन्मूलन के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का मापदंड क्या है? व्हाट इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्राइटेरिया फॉर लेप्सरी रोसी एलिमिनेशन? अगला क्वेश्चन आ गया है, गुड़िया मलिक, राजन पाल, धर्मजीत बहेरा, इतने लोग, राजन पाल भी आ गए हैं, वेरी वेरी गुड, आंसर दीजिए भाई। ओके, राइट आंसर जो है फर्न केस इन 10,000 इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयंत्र हार्मोन ऑक्सिन मूल रूप से एक डैश है, संयंत्र हार्मोन ऑक्सिन मूल रूप से एक डैश है, बताइएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संयंत्र हार्मोन ऑक्सिन मूल रूप से एक डैश है। नमस्ते चंदन कुमार गुप्ता, विष्णु प्रजापति, विकास शॉ। तो राइट आंसर है वीक ऑर्गेनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें किसी भी खाद्य पदार्थ के विटामिन ई की उच्चतम सामग्री है जो पूर्व तैयारी या विटामिन फोर्टिफिकेशन से नहीं गुजरती है? हिमाद्री मंडल, हाँ जी आंसर दीजिए। ओम प्रकाश भी आ गए, सुमित कुमार भी आ गए, वेरी गुड, आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? नागेंद्र सिंह भी आ गए, राइट आंसर है वीट जर्म ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन का रहस्य है? नमस्ते नमस्ते भैया, कितनी बार नमस्ते करोगे, आंसर दो फटाफट। ओके, देन राइट आंसर इज पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौंग पौधे का कौन सा भाग है? लौंग पौधे का कौन सा भाग है बताइए? लौंग जो है वो पौधे का कौन सा भाग है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए, लौंग पौधे का कौन सा भाग है? बिल्कुल खा लो खाना यार, खा लो खा लो, खाना खा लो, जो ज्यादा जरूरी हो काम वही करना चाहिए। राइट आंसर है फ्लावर बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैक्टीरिया का प्रतिनिधित्व करता है? दीपक कुमार भी आ गए हैं। हाँ जी, आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। राइट आंसर, देखो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं जिसका नाम मैंने ना लिया हो। जितने नए, हाँ एक लोग छूट गए थे, एडवेंचर जी छूट गए थे, एडवेंचर जी भी आ गए हैं। ओके, विक्की जम्वाल भी आ गए, हेलो। तो राइट आंसर है मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट फुट या टीनिया पेडिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? एथलीट फुट या टीनिया पेडिस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? हाँ जी भाई, आंसर दो इस क्वेश्चन का। राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग दो आंसर। गुड इवनिंग दीपक मीना, समीर दे मोंदक, विक्की जम्वाल। करेक्ट आंसर है फंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिजोफ्रेनिया डैश का एक उदाहरण है। सिजोफ्रेनिया डैश का एक उदाहरण है। ओके, राइट आंसर है मेंटल इलनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में सुधार के द्वारा मानव जाति में सुधार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पर्यावरण में सुधार के द्वारा मानव जाति में सुधार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बताइए, पर्यावरण में सुधार के द्वारा मानव जाति में सुधार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बिंदुलाल यादव जी भी आए, गुड इवनिंग। समीर दे मोदक, गुड इवनिंग भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग। ओके, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल लैंड स्टीनर का नाम निम्नलिखित में से किसकी खोज से जुड़ा है? कार्ल लैंड स्टीनर का नाम निम्नलिखित में से किसकी खोज से जुड़ा है? कार्ल लैंड स्टीनर का नाम निम्नलिखित में से किसकी खोज से जुड़ा है? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। धर्मचीत बेहरा, हाँ जी आंसर बताइए। सोनू यादव, जितने लोग भाई आते जा रहे हैं आंसर बताते जो, है ना। राहुल मीना जी भी आ गए हैं, ठीक है, वेरी गुड। ओके, राइट आंसर है ह्यूमन ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पेड़ के सुगंधित सूखे फूलों की कलियां हैं? निम्नलिखित में से कौन पेड़ के सुगंधित सूखे फूलों की कलियां हैं? ओके, राइट आंसर है क्लोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसमें मायोग्लोबिन का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसमें मायोग्लोबिन का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसमें मायोग्लोबिन का उपयोग किया जाता है? दो भाई आंसर। सेना बाबू भी आ गए हैं। ओके, अनूप कुमार जी भी आ गए हैं। ओके, देन करेक्ट आंसर इज स्टोरिंग ऑक्सीजन इन मसल टिल नीडेड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसकी अधिक मात्रा में सेवन करने से सिरोसिस हो सकता है? निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा में सेवन करने से सिरोसिस हो सकता है?
बताओ भाई, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा में सेवन करने से सिरोसिस हो सकता है? बताओ। बताओ ओके ओके, राइट आंसर। टोटल क्वेश्चन सर 50 है काजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनुवांशिक कोड निर्दिष्ट करता है कि अमीनो एसिड कितने प्रकार का होता है? एक अनुवांशिक कोड निर्दिष्ट करता है कि अमीनो एसिड कितने प्रकार का होता है, बताइए। ओके, राइट आंसर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1958 में वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट के लिए नोबल पुरस्कार किसे दिया गया था? 1958 में वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट के लिए नोबल पुरस्कार किसे दिया गया था? बताना बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, फटाफट आंसर दो, सबके सही आंसर आए हैं, आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। ओके, राइट आंसर है जॉर्ज बीडर एंड एडवर्ड टैटुम। नेक्स्ट क्वेश्चन, होडोफोबिया, होडोफोबिया निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ एक डर है? हाँ जी, आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रुपेश कुमार यादव, वेरी गुड इवनिंग। राइट आंसर जल्दी से बताइए भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, राइट आंसर है ट्रैवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के किस भाग में ग्लाइसिराइजा, ग्लबरा, लिकोरिस या मुलेठी प्राप्त की जाती है? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको फटाफट आंसर बताना है। ओके, राइट आंसर है रूट्स, राइट आंसर इज रूट्स, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट जेब्रा, लेजर जेब्रा और चीतीदार जेब्रा की प्रजातियां हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपको करेक्ट आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, सबके आंसर आ गए हैं, राइट आंसर है इस बटरफ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए ग्लोबल फंड, जिसे आमतौर पर ग्लोबल फंड या GFATM कहा जाता है, ये किस वर्ष में स्थापित किया गया था? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, आपको करेक्ट आंसर बताना है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दीजिए भाई आंसर।
ओके, राइट आंसर है 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बीमारी का एजेंट एंटीसेस एंजाइम पैदा करता है? निम्नलिखित में से किस बीमारी का एजेंट एंटीसेस एंजाइम पैदा करता है? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। हाँ जी, दीजिए आंसर, राइट आंसर क्या होगा? फटाफट दो आंसर भाई। हेलो चेतन बन्ना, राइट आंसर है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाइलोरिक स्फिंक्टर का सही स्थान है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ओके, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, बिटवीन स्टमक एंड रोडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रुग्ण भय या फोबिया की श्रेणी में नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन रुग्ण भय या फोबिया की श्रेणी में नहीं आता है? कुमार केतन, रिया पांडे, हिमाद्री, सोनू यादव, काजल, रामविलास, महेश राठौर, रसर्मा जी, रिया पांडे, अनूप कुमार, काजल गुप्ता, चेतन बन्ना, राजन पाल, देश राज मीना, धर्मजीत बहेरा। सभी लोग आंसर दीजिए। राइट आंसर है फोटोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के विकास हार्मोन को जापानी वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दी गई थी? निम्नलिखित में से किस पौधे के विकास हार्मोन को जापानी वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दी गई थी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? निम्नलिखित में से किस पौधे के विकास हार्मोन को जापानी वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता दी गई थी? हाँ जी बताओ। राइट आंसर ओके सी, बट राइट आंसर सी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी पर स्वप्रतिकृति आरएनए अणुओं की शुरुआत हुई? निम्नलिखित में से किस युग में पृथ्वी पर स्वप्रतिकृति आरएनए अणुओं की शुरुआत हुई? हाँ जी बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? दीजिए दीजिए जल्दी से आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताओ बेटा राइट आंसर। ओके, 30 का सी दे रहे हैं, बेसी निरा है लेकिन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एकमात्र आंतरिक मानव अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र आंतरिक मानव अंग है जो पुनर्जीवित हो सकता है? बताइए बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके, राइट आंसर जो है लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड वाइन का लाल रंग मुख्य रूप से डैश के कारण होता है? रेड वाइन का लाल रंग मुख्य रूप से डैश के कारण होता है? रेड वाइन का लाल रंग मुख्य रूप से डैश के कारण होता है? यस राजन पाल, रिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है और काफी लोग यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। रिया तो रिया हो गया, वो हो गए तनवार जी हो गए, ये जो है दोनों हमारे ऐप के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर आए हैं और यहाँ दोनों जगह मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझको। अगर आप लोग भी ऐप पर लगातार बनोगे तो आप लोग को भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा। ओके, राइट आंसर इज पिगमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जीव विज्ञानी निम्नलिखित में से किस कशेरुका में एक्विटिको लेटरलेस प्रणाली के माध्यम से सुनवाई और ध्वनि संवेदी तंत्र का प्रदर्शन करने में सक्षम है? हाँ जी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए, महबूब सुबानी जी। ओके, राइट आंसर है फिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक बस्ट फाइबर नहीं है? दीजिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सभी लोग सबके नाम देख चुके हैं, सबके नाम बोल चुके हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे दिख रहा है कौन आंसर दे रहा है। ओके, राइट आंसर कॉटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरियोफेज की सही परिभाषा है? क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? ओके, राइट आंसर है अ वायरस दैट डिस्ट्रॉयज बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंसिन 1 नामक प्रोटीन का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पाया गया है जिसमें एंटीबायोटिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिए दवाओं को विकसित करने की क्षमता पाई गई है? हाँ जी बताइए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ओके, राइट आंसर है हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पाइप प्लांट या मोनोट्रापा को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जा सकता है? भारतीय पाइप प्लांट या मोनोट्रापा को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जा सकता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। हाँ जी हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? छत्तीस 37 का यार आंसर दो, 37 का इतना टाइम क्यों लगा रहे हो तुम लोग आंसर देने में? 37 का बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डेजर्ट फ्लोरा और फाना पर अनुसंधान में शामिल है? थर्टी 8 का बी आया है सिप्री, पर गलत है। ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? मानव नेत्र के निम्नलिखित जीवित ऊतकों में से किसमें रक्त वाहिकाएं नहीं होती हैं? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ओके, राइट आंसर है कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोजी ऊतकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी हड्डियों में जुड़ती है?
क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए बेटा राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके राइट आंसर है आपका लिगामेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बंदर की प्रजाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन बंदर की प्रजाति नहीं है? बताइए। ओके राइट आंसर है हिमालयन मास्टिफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन डेजर्ट फ्लोरा और फाना का अनुसंधान शामिल नहीं है? इसको क्वेश्चन का तो राइट आंसर पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टेम सब्जी है? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टेम सब्जी है? डेली 8 बजे स्टार्ट होती है, कल क्लास नहीं होगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कल क्लास नहीं होगी बेटा, ठीक है? पुतुल कुमारी जी भी आ गए हैं, निशांत नाम है शायद, राइट? ओके देन करेक्ट आंसर है सी, ऑप्शन सही था। हाँ बिल्कुल सी, जितने लोगों ने दिया बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल में खाद्य भाग कौन सा होता है? चावल में खाद्य भाग कौन सा होता है? चावल में खाद्य भाग कौन सा होता है? बताना बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डेली 8 बजे होती है, थैंक यू, अगर हम अच्छा पढ़ाते हैं तो, और कोशिश करेंगे और अच्छा पढ़ाने की, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक फर्न प्लांट और एक सेब के पौधे में दोनों में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन एक फर्न प्लांट और एक सेब के पौधे दोनों में पाए जाते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। ओके राइट आंसर ओनली वन, ओनली वन मतलब वैस्कुलर टिश्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से किसके संयुक्त पैर हैं? निम्नलिखित जानवरों में से किसके संयुक्त पैर हैं? बताइए। निम्नलिखित जानवरों में से किसके संयुक्त पैर हैं? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा। जल्दी से दो राइट आंसर, 46th क्वेश्चन का आंसर देना है आप लोग को। कौन से क्वेश्चन का? 46th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बी, बी मतलब ओके, देखते राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, तो आपका हो गया गलत आंसर, रिया पांडे का बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम गायों को सेल्युलोज को पचाने की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम गायों को सेल्युलोज को पचाने की अनुमति देता है? विच अमंग द फॉलोइंग एंजाइम अलाउज द काउ टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज? बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से राइट आंसर दीजिए बेटा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है बेटा एमिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिक परिवर्तनशीलता की सबसे बड़ी डिग्री उन जीवों के बीच की उम्मीद को जाएगी जो डैश के माध्यम से प्रजनन करते हैं। हां जी आंसर दीजिए।
जावेद कुमार अशोक जी ना। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्जाइमर रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? अल्जाइमर रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? हाँ जी बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अल्जाइमर रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो राइट आंसर जितने लोग ने दिया है सी ऑप्शन, तो जावेंद्र ने दिया, सोनू यादव ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर मनुष्यों में श्वास को नियंत्रित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर मनुष्यों में श्वास को नियंत्रित करता है? दीजिए बेटा आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए। बी, CO2 लेवल एंड पीएच सेंसर्स। ठीक है, तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेशन में बताओ कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको सेशन कैसा लगा, आपको पढ़ाना कैसा लगा, जो आपके मन में हो बिल्कुल लिखो यहाँ पर। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच लगातार बने रहने के लिए। कोड ध्यान रख लो, SANGEETA। आपको क्या करना है, ऐप पर भी इनरोल होना है और उसके लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर आप कोड डाल दीजिएगा संगीता। जैसे ही आप ये कोड डालोगे वैसे ही आपको फ्री की चीजें सबकी सारी की सारी अवेलेबल हो जाएंगी। जितने भी फ्री में चीजें मिलती हैं वो सब वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप ऐप पर जाओगे जैसे ही इनरोलमेंट आपको मांगेगा वैसे ही आप ये कोड लगा देना। ठीक है, ओके, चलो परसों मिलते हैं। कल क्लास नहीं होगी, बार बार बता रही हूं इसलिए बार बार पूछना नहीं, कल क्लास नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू सो मच लगातार बना रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करंट अफेयर्स, देखो आज मुझे थोड़ा सा काम है बेटा, मैंने क्या कहा कल मुझे बाहर निकलना है। ठीक है, मंडे को मिलते हैं 2 घंटे की लगातार क्लास में। ठीक है, जहां भी रहेंगे वहीं से क्लास लेंगे। ओके, मंडे को मिलते हैं बेटा, मंडे को मिलते हैं फिर से। ओके।